गाइस वेलकम बैक। और इस समय हम खड़े हैं भोपाल के सैर सपाटा टूरिस्ट पॉइंट पे। सो ये जो सैर सपाटा जगह है वो एक पार्क टाइप का है और भोपाल का बहुत ही फेमस है। सो एक बार चलिए राउंड ट्रिप लेते हैं सैर सपाटे का। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो सैर सपाटा है बिल्कुल भोपाल सिटी के में ही है और ज़्यादा दूर नहीं है। जहाँ से हम रह रहे थे वहाँ से मात्र 8 किलोमीटर है। तो अभी टिकट काउंटर है, पीछे टिकट का है, मैं अंदर चल के बताता हूँ कितने का टिकट पड़ा है। सो स्टे ट्यून्ड। ये सैर सपाटा का जो बोर्ड है, ये देखिए गेट है, मेन एंट्री गेट है सैर सपाटा का और यहाँ से एंट्री हो रही है। यहाँ टिकट लेना था, टिकट काउंटर है और ये सैर सपाटा का एरिया है। अभी हम लोग एंट्री गेट से अंदर आ चुके हैं, टिकट ले लिया है। तो मैं आपको बताता हूँ इसका टिकट का प्राइसिंग क्या है, आपको आइडिया होगा रहेगा कि इसमें सैर सपाटा में तो कितने का टिकट कटता है। यह है टिकट। अभी इस टिकट का प्राइसिंग है एडल्ट के लिए 30 रुपये और 5 से 12 साल के बच्चे के लिए 15 रुपये। सो ये रहा टिकट और ये रहा इंटीरियर व्यू सैर सपाटा का। एक बहुत बड़ा हैंगिंग ब्रिज बना हुआ है इसमें। ये झील है और ये जो झील है वो अपर लेक व्यू का ही पार्ट है। ये बहुत बड़ा सा झील का एक्सटेंशन है। इधर भी छोटा सा पार्ट है और यहाँ पर ये बना हुआ है सैर सपाटा। पीछे दूर दूर तक है, पीछे इस साइड है और ये एरिया है। अभी दिन के 2:30 बज रहे हैं दोपहर के। तो अभी थोड़ा धूप है तो मिट्टू को थोड़ा छाता उड़ा दिया है कि सर्द गर्म ना लगे। और हम चढ़ रहे हैं ब्रिज पे, तो आपको दिखाते हैं रियर व्यू से ब्रिज। ब्रिज के बिल्कुल बीचों बीच खड़े हैं सेंटर में और आप देख सकते हैं ये जो झील है, ये झील अपर लेक व्यू का ही पार्ट है। पूरा उसके पीछे पहाड़ी है, चारों तरफ पहाड़ी है, बीच में झील है। भाई पहली बार मैं भी देख रहा हूँ, पानी में तैर रहा है बुलडोजर। तब भी यार गहरा है।
और इसके साथ ही ट्रेन स्टार्ट, साथ ट्रेन स्टार्ट हो चुकी है। म्यूजिकल फाउंटेन है, पता नहीं चलता होगा नहीं चलता होगा, मिठू म्यूजिकल फाउंटेन है। और मिठू यहाँ पे खेल रहा था, यहाँ पे इधर जंगल है, जंगल आ गया, टनल आ गया, टनल आ गया भाई, टनल आ गया। जाने वाला ट्रेन है, बुलेट ट्रेन है। मोटू पतलू को हाय करो, हेलो हाय, हेलो।
स्टेशन आ गया भाई, स्टेशन आ गया, उतरो अब स्टेशन। Yeah.